नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता। इसलिए जानते हैं आखिर क्या होती है भद्रा और क्यों इसे अशुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री और राजा शनि की बहन है। शनि की तरह इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया। भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्यों, यात्रा, उत्पादन आदि कार्यों को निषेध माना गया, किंतु भद्रा काल में तंत्र कार्य, अदालती और राजनीतिक चुनाव कार्य सुफल देने वाले माने गए हैं। यूं तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ है कल्याण करने वाली, लेकिन इस अर्थ के विपरीत भद्रा या विष्टिकरण में शुभ कार्य निषेध बताए गए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीन लोकों में घूमती है। जब यह मृत्युलोक में होती है तब सभी शुभ कार्यों में बाधक या उनका नाश करने वाली मानी गई है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।